हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास सेवन टॉपिक चल रहा है अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं 8.5। पहले 10 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं जिन्हों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है। अज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो। सो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट की कह रही है। क्वेश्चन है अपने को, अमल सप्लाईज 250 टॉयज टू अ स्कूल एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ ईच टॉय कॉस्ट हिम 240 रुपीज, फाइंड दैट हिज टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल अ प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन की कह रहे हैं, कोई पर्सन है, उन्हें 250 टॉय सप्लाई किए स्कूल नू, ठीक है। प्रॉफिट कितना मिले उन्हें? 12%। 12% प्रॉफिट मिले। एक टॉय का प्राइस कितना है? 240। आपको पता करना है टोटल सेलिंग प्राइस की है तो प्रॉफिट उन्होंने किन्ना है। तो स्टार्ट कर दे आप अपने क्वेश्चन के नाल। पहला आप लिखांगे टोटल टोटल सीपी ऑफ 250 टॉयज। अपने को किन्ने टॉयज है? 250। एक टॉय का कॉस्ट किन्ना है? 240। तो 250 का पता करने लिए आपां नूं की करना पड़ेगा? दोवां नूं मल्टीप्लाई। सो किन्ना आ गया अपने को? ये आ गया अपने को 60,000 रुपए, क्योंकि 25 नूं 24 नाल कीता 600, 2 नाल की आ गई 0, मतलब किन्ने रुपए दे टॉय ने वेचे? टोटल 60,000 रुपए, ठीक है। टोटल सीपी कितना हो गया? 60,000 हो गया। देखो टोटल टॉय है 250, एक टॉय की प्राइस कितनी है? 240। तो टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपए, मतलब अपना सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया कितना? 60,000। हुण उन्हें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट किन्ने परसेंट है अपन? 12%। 12% उन्हें की हो गया? प्रॉफिट हो गया। हुण आपां ये फाइंड कर रहा है उन्हें सेलिंग प्राइस कितना सी, मतलब उन्हें वेचे किन्ने दे, लियांदे किन्ने दे सी? 60,000 दे, वेचे किन्ने दे, वो चीज़ आप पता करनी है। सो आप फाइंड करना है एसपी, सेलिंग प्राइस। सो फॉर्मूला की है अपने को, एसपी इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पी परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट, ओके। यही फॉर्मूला पढ़िया सी आप, जेकर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, जे लॉस है तो की आएगा? माइनस आएगा। सो वैल्यू पुट करो, एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी इंटू, सीपी की वैल्यू अपन गिवन है 60,000 इंटू 100 प्लस की आ गया 12, यही चीज आ गई अपने को। सो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 इंटू 112 डिवाइड बाय की आ गया 100, यही चीज आ गई अपने को। 100 है मल्टीप्लाई चाह राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, 00 नाल 00 कट। सो 600 इंटू 112, सो कितना आ गया? 6 दूनी 12, उस तो बाद 11 छीके 67, 66 61 कितना आ गया? 67,200 रुपए, ठीक है। लियांदे किन्ने दे सी? 60,000 दे, वेचे किन्ने दे? 67,200 दे। हुण आपां फाइंड करना है प्रॉफिट किन्ना होया। प्रॉफिट की हुंदा है? सैलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। सो 67,200 माइनस 60,000, तो अपने को आंसर कितना आ गया? 7,200 रुपए, ठीक है। मेरे को कितना प्रॉफिट आ गया? 7,200 रुपए प्रॉफिट आ गया, ठीक है। मतलब एक टॉय के पिछे उन्हें की है टोटल 30%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 30% उन्हें किया खटिया, ठीक है। तो 30 रुपए, सॉरी 30 रुपए उन्हें किया एक टॉय के पिछे कमाया। वो तो वैसे आप चेक भी नहीं करना, आप सिर्फ ये चेक करना उन्होंने कितना प्रॉफिट होया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 7,200 रुपए, ओके। क्वेश्चन की है 250 टॉयज है अपने को, एक टॉय की प्राइस कितना है? 240। तो टोटल कितनी होगी? 60,000 होगी। प्रॉफिट कितना है? 12%। आपका सेलिंग प्राइस पता किया वो कितना आ गया? 67,200 रुपए। तो प्रॉफिट किवें फाइंड होएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। तो माइनस करो कितना आ गया? 7,200 रुपए उन्होंने की आ गया प्रॉफिट आ गया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एसी क्वेश्चन नंबर 11 हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 दी स्टेटमेंट की कह रही है, फाइंड द गेन परसेंट व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कह रहे हैं, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 9 ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 5 ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਸੀਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਐਸਪੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਸੀਪੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਐਸਪੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ?
सीपी बाय एसपी, सीपी कितना आ गया 5 ते एसपी कितना आ गया 9, ये चीज बनेगी क्योंकि दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही रिलेशन बन जाएगा। तुसी सीधा याद रखना जरा सीपी नाला है वो एसपी दे सामने जाएगा, जरा एसपी दे नाला वो सीपी दे सामने जाएगा। तो देखो ग्रेटर कौन है, नाल इन्दे यूनिट लगा लो, ठीक है नाल की लगा लो इन्दे यूनिट, वैसे एक्स भी लगा सकते हैं पर आप एक्स नहीं लगा के आप यूनिट लगावांगे। ओके सो हम देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर है सीपी तो अपन की हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया एसपी माइनस सीपी। सो 9 माइनस 5 किन्ने यूनिट हो गया अपने को 4 यूनिट, कितना प्रॉफिट हो गया 4 यूनिट हो गया। हुण आपां फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का इक्वल हुंदा है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू की आ गया 100, ये चीज आ गई अपने को। सो प्रॉफिट कितना है 4/5 इनटू की आ गया 100, ये चीज आ गई अपने को। सो कट करो इनू किन्ने दे कट हो गया 20, सो 4 × 20 मतलब किन्ने परसेंट प्रॉफिट हो गया उन्होंने 80% प्रॉफिट हो गया। ओके क्वेश्चन की सी बेटा कहिंदा 9 दा सीपी 5 दे एसपी दे इक्वल है, तो आप इस कंडीशन लिख सकते हैं 9 CP = 5 SP। उस तो बाद ये ध्यान रखना है जेड़ा तो सीपी नाल है वो एसपी दे सामने जाएगा, जेड़ा एसपी नाल है वो सीपी दे सामने जाएगा, यही चीज आएगी। तो सीपी कितना हो गया 5 यूनिट, एसपी कितना हो गया 9 यूनिट, एसपी वड्डा है सीपी छोटा है, तो अपने कोल की हुंदा है प्रॉफिट हुंदा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला की है सीपी माइनस सॉरी एसपी माइनस सीपी। सो 9 दे विचों 5 माइनस करो कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। उस तो बाद आपां की कीता प्रॉफिट परसेंट, तो किन्ने परसेंट प्रॉफिट हो गया उन्होंने 80%। ओके तो ऐसी अपने को क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 13 टू नेक्स्ट कवर करेंगे।